नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आपको एक्सक्लूसिव यहां पर रिपोर्ट दिखाई जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि नॉर्थ जोन महिला कबड्डी प्रतियोगिता यहां पर शुरू हुई है। थोड़ी देर पहले यहां पर CM जयराम ठाकुर ने इसका आगाज किया था। तो ये लाइव तस्वीरें आप सभी दर्शकों को लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से एक्सक्लूसिव यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो है कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही है, आपको बताना चाहूंगी कि कौन कौन सी टीमें जो है यहाँ पर खेल रही हैं। सबसे पहले आप दर्शकों को ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि मंडी में ये प्रतियोगिताएं हो रही है। यहाँ पर 32 कॉलेज की छात्राएं यहाँ पर पहुंची है कबड्डी की प्रतियोगिता खेलने में। कुल 384 प्रतिभागी है। टेक्निकल जो यहाँ पर बताना चाहूंगी काउंटर है, वहाँ से लाइनअप शीट ले ले। जम्मू यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के बीच में यहाँ पर ये मैच हो रहे हैं। और इन कोड नंबर 2 येलो कॉस्ट्यूम में ये जम्मू के डॉक्टर राम की छात्राएं हैं, और जो व्हाइट कॉस्ट्यूम में आप देख रहे हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्राएं हैं जो की चंडीगढ़ से आई है सोनीपत। ये चारों की चारों टीमें ध्यान दें, अपना लाइनअप शीट यहाँ से ले लें, उसको फिल करके वापस दे दें, साथ साथ मैच फीस जमा करवा दें। पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्रा यहाँ पर जो है, इसके साथ ही जम्मू की छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं येलो कॉस्ट्यूम के साथ। ये जम्मू यूनिवर्सिटी की छात्राएं, इसके साथ ही जो व्हाइट में आप देख रहे हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्राएं। पंजाब यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के बीच में यहाँ पर प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। तो 1 पॉइंट चंडीगढ़ की तरफ। नॉर्थ जोन इंटर वर्सिटी कबड्डी वुमेन चैंपियनशिप का आगाज मंडी में हुआ, और अभी मंडी के ऐतिहासिक पडल ग्राउंड से ये लाइव तस्वीरें आप सभी दर्शकों को दिखाई जा रही है, जिसमें आपको बता रहे हैं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू और पंजाब यूनिवर्सिटी के बीच में ये कबड्डी की प्रतियोगिता खेली जा रही है, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप सभी को दिखाया जा रहा है। Thank you.
क्लोजर क्लोजर भी है तो यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा फिलहाल आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा रेड दी जा रही है, आप देख सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा रेड दी जा रही, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है छात्राएं दमखम दिखा रही है फील्ड में। पॉइंट लेती हुई यहाँ पर जम्मू की छात्राएं पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्राएं यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट कॉस्ट्यूम में। तो इस समय 14 चंडीगढ़ है जी सर, एक अंक है जम्मू यूनिवर्सिटी, बोनस अंक के साथ स्कोर 15 हो चुका है समय टीम चंडीगढ़ का। और समाज जम्मू के खिलाड़ी उपहार तरह से दिखाते हुए फिर से कल का जीत किया टीम चंडीगढ़। 7 नंबर जर्सी रेड करते हुए चंडीगढ़ का स्कोर अच्छा, उन्होंने दो अंक के साथ स्कोर में बढ़ोतरी ही स्कोर हुआ है 18, जबकि एक अंक है इसमें जम्मू टीम का। लगभग पहले हाफ का ये खेल चलता हुआ और उनके कोच मिस्टर मिशु जो भी बेहतरीन प्लेयर और उसमें जम्मू टीम के बीच
बात की जा रही है अंक की और लगभग बोनस प्लस का स्कोर हो गया 27 रन के साथ। और इसमें फिर से चंडीगढ़ की ओर से भी लगभग 30 खिलाड़ी और अभी इन्हें पाकिस्तान में लगभग कामयाबी की ओर दिखाई दे रही है। दो अंक के मुकाबले 5 का स्कोर है समय चंडीगढ़ का टीम का जबकि जब वो कल्याण से तो जम्मू की ओर से लगातार वेट करते हुए भाई चौधरी स्कोर हो चुका है टीम जम्मू टीम का जबकि 27 रन है टीम चंडीगढ़। और इसमें स्कोर हो चुका है 28 32 टीम सेंटर में भी पूरा बोनस का प्रयास किया है देखना है कि बोनस देता है नहीं। स्कोर इस समय 29 टीम बोनस चंडीगढ़ को दिया गया स्कोर हो गया 30 और इसमें सातपर जैसी लंबा टच का प्रयास किया कवर के ऊपर लेफ्ट साइड कवर के ऊपर लेकिन टच करने में कामयाब नहीं रहे और सुरक्षित अपने पाले में सात नंबर पर उसकी रेट करते हुए लगभग फिर सात नंबर है लेकिन इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है और दो के साथ स्कोर हो गए इसमें 32-3 32-3 इन फेवर ऑफ चंडीगढ़। और राइट कवर में ने बाहर का रास्ता दिखाया फिर मस्जिद की अपनी टीम के लिए स्कोर चुका है 33 इसमें सुपर टकल और है यदि रिगर को डिफेंडर पकड़ते हैं तो दो अंक दिए जाएंगे यदि खिलाड़ी पकड़ा जाता है 3 या 3 से कम खिलाड़ी जब मैदान में होते हैं और रिगर को डिफेंड करे तो उसे सुपर टकल कर रहा है चंडीगढ़ का रहेगा 34-3 और बहुत अच्छा टच का और ये बोनस का प्रयास किया काफी अंदर उन्होंने पाव अपना मारा लेकिन जब तक ऑफिसर का निर्णय नहीं आता तब तक लेकिन पाव आपका दूसरा जो पाव है वो हाउ में आना चाहिए तभी आपको बोनस दिया जाता है अदरवाइज आप और इस सुपर टकल वाले से बिना खिलाड़ी को भी समझ रहे हैं तो लेकिन ऐसा करने में सफल नहीं रही जम्मू की टीम और लोना लगता हुआ स्कोर हो चुका इस समय 39-4
प्लीज वक्त दें 9 9 4 4 जम्मू और चंडीगढ़ के बीच चंडीगढ़ की टीम का स्कोर है 44 और इसके मुकाबले 45-4। ये जो आपका इस समय मैच लाइव चल रहा है लॉन एकर के साथ 48 स्कोर हो चुका है चंडीगढ़ का, जबकि जम्मू का स्कोर है 4-48। ये जो इस समय मैच चल रहा है इसका प्रसारण ESI लाइव यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लोग सभी देख सकते हैं और फेसबुक में भी इसका प्रसारण यूट्यूब के चैनल ESI लाइव, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ पे जो ये लाइव प्रसारण कर रहे हैं। जम्मू के 1 अंक के साथ बढ़ोतरी हो चुकी है 5 अंक जम्मू के, जबकि इसके मुकाबले स्कोर है 48-5 इन फेवर ऑफ चंडीगढ़। जम्मू की टीम काफी पिछड़ रही है इस मैच में, जबकि बोनस चंडीगढ़ को दिया गया है। स्कोर हो चुका है इसमें 50-50। जम्मू को फिर 1 अंक दिया गया और जम्मू का स्कोर हो चुका है 6। और ये जो प्रसारण इसमें ESI लाइव चैनल यूट्यूब में आप इसको सर्च कर सकते हैं ESI। और इसमें बोनस अंक के साथ चंडीगढ़ का स्कोर में और इजाफा हुआ, जबकि जम्मू का स्कोर काफी कम है इस समय 6 नंबर जर्सी रेड करते हुए प्रयास अंक का, लेकिन कामयाब नहीं हुए और वापस अपने पाले में सुरक्षित फिर से चंडीगढ़ की ओर से लेफ्ट जोर 3 स्टार करते हैं, लेकिन प्रयास किया और स्कोर हो चुका है 51-51। 1 पॉइंट चंडीगढ़ और खेल का ये पहला हाफ चलता हुआ। चंडीगढ़ की टीम एक तरफे मुकाबले में अगले दौर में प्रवेश करने की कगार पर है और
दो नंबर जसके ने काफी प्रयास किया रहा जम्मू की ओर से, लेकिन चंडीगढ़ के खिलाड़ी काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस और कोई कवर नहीं है, बाहर का रास्ता दिखाया। स्कोर के समय 52-52-6। और इस समय रेट सुपर 3 अंक प्राप्त किए हैं टीम के लिए। और सेकंड लास्ट कॉल पंजाब यूनिवर्सिटी सॉरी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद वर्सेज गुरु JUST हिसार हरियाणा और डॉक्टर राम मनोहर यूनिवर्सिटी अयोध्या। भगतपुर सिंह यूनिवर्सिटी महिला विश्वविद्यालय खानपुर गुला। प्रसारण दिखाया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य है इस मंडी जिले का जहां पे इतना बड़ा इवेंट कराया जा रहा है और इसका सीधा प्रसारण हो रहा है। आगे सर चलेगा
चंडीगढ़ के दो अंक के साथ स्कोर हो गया है 62। और ये मैच समाप्ति की ओर कोर्ट नंबर एक में मैच खत्म होता हुआ पीछे बैठ के दर्शन